तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो थर्ड लेसन है इंडियन यूरोपियन कॉलोनियलिज्म उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 23 से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया है कि वास्को द गामा वॉज अ सी फारर फ्रॉम, इसका क्या आंसर आएगा, पोर्चुगल आएगा, पोलैंड आएगा, या फिर इंग्लैंड आएगा, या फिर फ्रांस आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, वास्को द गामा वॉज अ सी फारर फ्रॉम पोर्चुगल। ठीक है, पोर्चुगल राइट आंसर है इसका। सेकेंड वन क्या दिया है, द लाइसेंस वॉज गिवन बाई इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर जॉर्ज ऑक्सेंडन आएगा, या फिर ब्रेगेंजा आएगा, या फिर एलिजाबेथ आएगा, या फिर होमर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ इसका राइट आंसर है। अभी फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन बोला है इधर, तो इसका आंसर पहला क्या है, आर्स बिस्पो। ठीक है, तो ये रॉन्ग है इसका। ठीक है, इधर क्या दिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आर्च बिशप इसका आंसर क्या आएगा, आर्च बिशप। ठीक है, आर्च बिशप या फिर आर्च बिशप, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आर्क बिशप इसका स्पेलिंग क्या रहेगा। ठीक है, स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, ए एक मिनट स्पेलिंग आपको बताता हूँ, ए आर सी एच बी आई एस एच ओ पी, आर्च बिशप। ठीक है, तो सेकंड वन क्या दिया, चांसलर, तो ये जज, ये राइट है। और वेदर द फजेंडा इंचार्ज ऑफ द कंपनीज पोजिशन, ये भी राइट है। फोर्थ क्या दिया है, कैपिटाओ कैप्टन, ये भी राइट है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, आइलैंड्स ऑफ मुंबई, तो आइलैंड्स ऑफ मुंबई हमें पूछा है। तो इधर दो तीन दिए हैं, माहिम, बड़ाला और मेजगांव दिए हैं। तो बाकी के जो है चार वो हमें ढूंढने हैं। तो ये आंसर आपको इधर पेज नंबर 21 पे मिलेगा। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ मुंबई पेज नंबर 21। तो पेज नंबर 21 पे हम जाते हैं अभी। तो देखो पेज नंबर 21 पे हम आ गए, तो जो मुंबई के 7 आइलैंड्स है वो आपको इधर आंसर मिल जाएगा इसके। ठीक है, ये तो दिया है 7 आइलैंड्स, नेमली मुंबई, माहिम, परेल, वडाला, वरली, सायन या फिर शिव और मजगाव। ठीक है, तो जो बाकी के 3 दिए उसमें से जो रिमेनिंग 4 आपको देने हैं आंसर, वो आपको लिख दो। ठीक है, अब अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस, तो द इंडियन रूलर्स हैड टू ऑब्टेन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट आपको बताया है, तो ये स्क्रीनशॉट आप, ये आंसर आपको लिखना है। तो ये देखो, द कार्डस वॉज अ लाइसेंस इशूड बाय द पोर्चुगीज टू द इंडियन रूलर फॉर सेलिंग ऑन द इंडियन ओशन व्हेन दे एस्टेब्लिश फॉर्म कंट्रोल ऑन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है, रीज़न ये बताया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अभी हम जो सेकंड वन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, टू इंडियन रूलर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइट द पोर्चुगीज, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो उसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, द पोर्चुगीज एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग नेवी, दे यूज टू लॉन्च सडन अटैक्स ऑन देयर एनिमी टेरिटरी फ्रॉम द सी एंड ब्रेक इट कम्प्लीटली। तो ये आंसर आपको बता देना, रीज़न उसका, पोर्चुगीज इंडियन रूलर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइट विद द पोर्चुगीज, उसका आंसर है ये। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम तो इधर अभी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन क्या है, विच आर द प्लेसेस वेयर द पोर्चुगीज एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज, तो इसका मैं आपको दो में बताऊंगा। पहला तो जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है उसके हिसाब से बताऊंगा, दूसरा मैंने जो स्क्रीनशॉट लेकर रखा है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो आपको पेज नंबर 19 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 19 पे हम जाते हैं। तो देखो पेज नंबर 19 पे आ गए, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग, इधर देखो पोर्चुगीज़ दिया है। तो क्या करना है कि आपको पोर्चुगीज़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, ये कैसे आए थे और पहला उनमें से कौन आएगा, जैसे वास्को दे गामा आया था। ठीक है, सी रूट के थ्रू आया था,
और बाद में वो थोड़ा ये हो गया, फिर बाद में आपको क्या करना है सीधा कि कौन से कॉलेज एस्टेब्लिश किए थे उन्होंने इंडिया में, वो हमें बताना है। तो क्या बताना, द पोर्चुगीज लास्ट में से सीधा बता देना, द पोर्चुगीज हैड बिकम सो पावरफुल डेट इवन द माइटी मुगल्स एंड द सल्तनेट्स इन द साउथ हैड टू बाय लेसन्स फ्रॉम देम। और बाद में क्या, इन 1608 द पोर्चुगीज हैड देयर कॉलोनीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दीव दमन चौल गोवा इंक्लूडिंग सर्शियन साष्टी एंड बारदेश। तो ये आपको गोवा तक लिखना है, ठीक है, ये पूरा पैरा आपको लिख देना, ये आंसर हो गया आपका। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 है उसका जो स्क्रीनशॉट वाला आंसर है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये देखो ये स्क्रीनशॉट वाला आंसर है, ये लेकिन थोड़ा शॉर्ट है, तो आपको थोड़ा वो वाला पूरा लिखना है तो वो लिखो। और ये लिख रहे हो तो थोड़ा उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था पोर्चुगीज के बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे वास्को द गामा का, वो आपको लिख के और बाद में ये दोनों कंबाइन करके आंसर लिख देना, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं आपको अभी सेकंड वन आंसर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वॉट वेर द राइट्स गिवन टू द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द डच गवर्नमेंट। तो इसका भी आपको मैं दो में बताऊंगा, एक तो मैं टेक्स्ट बुक का बताऊंगा, एक बाद में स्क्रीनशॉट जो है वो बताऊंगा। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक का आंसर पेज नंबर 21 पे जाएंगे हम, पेज नंबर 21 पे। तो ये देखो पेज नंबर 21 पे हम आ गए, तो इधर क्या दिया है, स्टार्टिंग आपको कैसे करना है कि इन 1602 सेवरल डच कंपनीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपनी नेम्ड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच गवर्नमेंट इशूड अ लाइसेंस टू द कंपनी। तो ये आपको आंसर पूरा किधर तक लिखना है, ये राइट्स वाला, ठीक है, सेकंड वन, कम से कम आपको ये यहाँ तक लिखना है, ठीक है, जापान तक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इतना वाला। और अभी जो स्क्रीनशॉट वाला आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ठीक लगता है वो वाला आंसर आप लिखो, ठीक है। तो ये देखो स्क्रीनशॉट वाला आंसर ये है, द डच गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस टू द कंपनी टू कंडक्ट ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्रीज, द सेम लाइसेंस परमिटेड देम टू अपॉइंट स्टाफ टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज बिल्ड फोर्ट्स, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है, वो लिखना है तो वो लिखो, ये लिखना है तो ये लिखो, या फिर दोनों का कंबाइन करके जो आपको आंसर करना है वो वाला लिखो। तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया।